Hyundai क्रेटा एन लाइन कब से इंतजार था हमें इस गाड़ी का, बिकॉज जो क्रेटा में नहीं था एन लाइन में आ जाएगा, यानी कि जो नॉर्मल क्रेटा में नहीं था वो क्रेटा एन लाइन में आपको फीचर्स मिलेंगे और साथ के साथ नए लुक्स के साथ साथ ड्राइविंग में भी चेंज आएगा। प्राइस क्या आएगा, लॉन्च कब होगी, बुकिंग्स ओपन है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो क्रेटा एन लाइन के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ और हम इस तरह के आपके लिए कार न्यूज, कार रिव्यूज और कार कंपैरिजन के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट घूमते हुए आपके लिए वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बात करते हैं क्रेटा एन लाइन के बारे में। अब एन लाइन स्पेसिफिकली खास क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेशल एडिशन ही नहीं, ये अलग गाड़ी ही हो जाती है। इसके ड्राइविंग डायनामिक्स बदल दिए जाते हैं, सस्पेंशन को ट्वीक किया जाता है, रीट्यून किया जाता है, इसकी आवाज़ को भी। ड्यूल टिप एग्जॉस्ट जो है वो एक्चुअल ड्यूल टिप एग्जॉस्ट होती है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, और उससे आवाज़ का फर्क भी पड़ता है। हमने वेन्यू एन लाइन देखी और वेन्यू एन लाइन चलाने में बिल्कुल अपना करेक्टर चेंज ही कर देती है, वैसी हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद दी क्रेटा एन लाइन। फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ऑब्वियसली सेफ्टी फीचर्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको जो एडिशनल फीचर आ जाता है वो आ जाता है 18 इंचेस के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स। दो नए कलर ऑप्शंस हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि थंडर ब्लू और एक ग्रे का भी। लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क नहीं है, अगर आप ध्यान से दोनों गाड़ियों के फ्रंट को देखें, यानी कि अगर एक तरफ हम लगाएं क्रेटा नॉर्मल टॉप वेरिएंट और एक तरफ क्रेटा एन लाइन टॉप वेरिएंट लगाते हैं, तो आपको फर्क दिखेगा कि ग्रिल में काफी बड़ा डिफरेंस है, कि फ्रंट जो बम्पर है उसे पूरा कनेक्ट कर दिए गए, जैसे एलईडी डीएलएस कनेक्ट करते हैं वैसे इसकी पेंट जॉब भी कनेक्ट कर रही है और ग्रिल थोड़ी सी नीचे है। हालांकि नॉर्मल क्रेटा वाली ग्रिल कह लो या प्रॉपर बम्पर का डिजाइन कह लो, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बट आप बताओ कि क्रेटा एन लाइन ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर क्रेटा नॉर्मल। ओके, इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जहाँ पर यू नो फॉग लाइट्स तो नहीं है, मतलब उसकी हाउसिंग टाइप का एक डिज़ाइन होता है, या फिर फ्रंट की अगर हम एजेस की कॉर्नर्स की बात करें वहाँ पर भी डिज़ाइन डिफरेंट, और इवन फ्रंट की जो स्किड प्लेट है वो ज़्यादा एजी रखी गई है एन लाइन में, तो डिफरेंस तो काफ़ी नज़र आता है। आराम से लोग पहचान लेंगे कि ये एन लाइन है, नॉर्मल नहीं है, ये अलग स्पेशल वेरियंट है। और वो तो कलर की वजह से ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि थंडर ब्लू और जो मैट ग्रे कलर है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एन लाइन के लिए एक्सक्लूसिव दिया गया है। अब ये तो हो गया फ्रंट। साइड से देखेंगे तो रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं, नए अलॉय व्हील्स मैंने बताया, साइड पे स्कर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं रेड एसेंट्स के साथ आपको देखने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी वही जो स्किड प्लेट का डिज़ाइन है कम्प्लीटली चेंज है, और साथ में स्पॉयलर भी काफ़ी बड़ा रखा गया है। अब वो स्पॉयलर का डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफ़ी एक स्पोर्टी लुक दे रही है, वो नॉर्मल क्रेटा में भी आपको स्पोर्टी लुक देती है, क्रेटा एन लाइन और स्पोर्टी लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेड एसेंट्स जो कि प्रोवाइडेड है। अब ये जो थंडर ब्लू एडिशन है इसमें आपको रूफ जो है वो ब्लैक मिलेगी, और जो ग्रे कलर है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक फोटो वीडियो आपके लिए लगा देता हूँ। अब इंटरेस्टिंग आता है इसका इंटीरियर। इंटीरियर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने 6 एयरबैग्स दिखाए तो थोड़ा सा इंटीरियर भी नजर आ गया। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये नजर आ रहा है, रेड एसेंट्स आपको नजर आएंगे, एन लाइन की बहुत सारी बैजिंग होगी, मतलब टोटल ओवरऑल गाड़ी में अगर देखें तो मैं आराम से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 15 से 20 एन लाइन के निशान तो अलग से होंगे ही होंगे, 4 तो अलॉय व्हील्स के ही होंगे, ठीक है, एक पीछे होगा, फिर आपको मिल जाएंगे एक साइड फेंडर्स के ऊपर भी, 2 तो होंगे साइड फेंडर्स पे, उसके अलावा आपको मिल जाती है देखो स्टेयरिंग व्हील होगा, और अंदर भी आपको जो गियर नॉब है उसके ऊपर भी होगा इस तरीके से, और हाँ हेडरेस्ट के ऊपर भी एनलाइन लिखा होगा, तो एनलाइन लिखा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो एनलाइन होगी पूरी इंटीरियर में भी। ऑल ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कई लोगों ने हमें ये भी कहा था कि हमने जो क्रेटा लेने का रीज़न है उसका लाइट थीम बेस्ड है, क्योंकि काफ़ी रूमी लगता है, काफ़ी स्पेशियस लगता है, बट स्पोर्टी लेने वाले तो ऑल ब्लैक ही प्रेफर करेंगे, और रेड एसेंट्स डेफिनेटली काफ़ी स्पोर्टी लुक ऐड कर रहे हैं इस गाड़ी में। इंटरेस्टिंगली अंदर फीचर में ऐसा सच कोई बड़ा चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डैश कैम यहाँ पर दे देते तो काफ़ी अच्छा लगता, बट उससे प्राइस बढ़ जाती, बट डैश कैम मुझे लगता है कि अब क्रेटा वो एडवेंचर एडिशन में देते थे पहले वाली क्रेटा में, तो इस बार एल लाइन में दे दो। और अगर हम इंटीरियर में और बात करें, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ एक ट्रांसमिशन की बात चल रही है यहाँ पर, देखो ऐसा है दिख तो रही है कि 7-speed DCT, यानी कि वो 1.5 liter का टर्बो पेट्रोल इंजन, 160 PS, 253 Nm टॉर्क का कमाल की पावर जनरेट करने वाला इंजन तो मिल ही रहा है, बट इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर इसमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाए, जो कि अभी तो अवेलेबल नहीं है क्रेटा में, बट एन लाइन में कार एंथुजियास्ट के लिए एक तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन अच्छी लगेगी उनको, प्लस उसका प्राइस फिर कम होगा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने को कि उसका प्राइस क्या रखा जाएगा। बट हाँ अगर हम ऑटोमेटिक का कंपैरिजन करें कि नॉर्मल क्रेटा जो है वो ऑलमोस्ट 20 लाख की, तो ये वाली कितने की होगी, तो 40 से 50 हज़ार तो आराम से एडिशनल प्राइस लेके चलो, बिकॉज ड्यूल टिप एग्जॉस्ट हो गए, नए अलॉय व्हील्स, ज़्यादा बड़े अलॉय व्हील्स हैं, साथ में आपको कंप्लीट ड्राइविंग डायनेमिक्स चेंज होंगे, क्योंकि हैंडलिंग बदल जाएगी, सस्पेंशन बदल जाएगी, आवाज़ बदल जाएगी, चलाने का बिहेवियर बदल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बदलेंगी, और इंजन में ट्वीक्स नहीं होंगे, पहले बता दूँ, मतलब एक्सप्रेशन पावर पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही रहेगा, वहाँ कोई चेंज नहीं किया जाएगा।
उसके अलावा इंटीरियर में और तो कुछ है नहीं। मेजर कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली इसका होगा विद द सेल्टोस एक्स लाइन, बट एक्स लाइन सिर्फ कॉस्मेटिक में चेंजेस लेके आते हैं, उसमें कोई सस्पेंशन या हैंडलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। और साथ में इसका कहीं ना कहीं शकोडा कुछ मॉन्टे कार्लो के साथ नहीं रहने, तो उसको साइड पे कर देते, उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है इसका। सो दिस वॉज द क्रेटा एल नाइन। अब इंटरेस्टिंग ये है कि 11th ऑफ मार्च को इसका लॉन्च है, ठीक है, और यहाँ पर हम आपके लिए प्रॉपर ड्राइव रिव्यू, उसका वॉक अराउंड सब आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। उसके अलावा अगर आप एलनाइन में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो और सोच रहे हो परचेज करने का, तो बुकिंग करवा सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन यानी कि शोरूम्स में जाके भी, तो 25,000 रुपीज़ देके आप इसकी बुकिंग करवा के रख लीजिए, जल्दी मिल जाएगी बिकॉज स्टॉक वेरिएंट में ही आएगा। और अगेन एनलाइन कंपनी भी चाहती है सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, तो डेफिनेटली आपको डिलीवरी जो है ज़्यादा लेट रही जल्दी मिल ही जाएगी इस पर्टिकुलर व्हीकल की। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू ह्यूंडई क्रेटा एनलाइन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।